लेकिन दूसरी टीम जामजेद कॉलेज सवात से। मुकरिर का नाम शरीफुद्दीन उर्दू में जाएगा और इनका मान है रुपम एहलान। से इन लड़कों को सताता हूं, जाली अकाउंट से इन लड़कों को सताता हूं, इनकी माशूक बनकर इन पर अपना हक जताता हूं। जाली अकाउंट से इन लड़कों को सताता हूं, इनकी माशूक बनकर इन पर अपना हक जताता हूं। और मुझे इन सब के राज फाश करने थे एक दिन, मुझे इन सब के राज फाश करने थे एक दिन, इसलिए आज मेरी तकरीर का उन्वान है मैं बताता हूं। हाजरीन महफिल, मेरी आज की तकरीर सदर जिम्मेदार और तमाम मुंतजमीन के नाम तो बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी आज की तकरीर तमाम छोटी बड़ी नीली पीली गोल मटोल और बड़ी बड़ी आंखों वाली परिंदों के नाम। मेरी आज की तकरीर उस हमीदा के नाम के जिसके औसाफ हमीदा ढूंढते ढूंढते मेरा तिलिहार हो गया। मेरी आज की तकरीर इस लोड वाली सभा के नाम। मेरी आज की तकरीर उस खातून के नाम के जिसने कहा था ये बेगरी के बोल में। और आखिर मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि मेरी आज की तकरीर सिर्फ अकलमंद अफराद के लिए है, तो सदर अली वकार अगर इसको समझने की बिल्कुल भी कोशिश न की। अली वकार हर एरा गया कहता है कि मैं बताता हूँ और फिर कुछ भी बता देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही कुछ बताऊं। लेकिन अब मसला ये है कि मैं क्या बताता हूँ, क्या मैं आपको इन वाले जिनका किस्सा सुनाता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास तुम वो वाला दानिश कैसे मर गया? बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे हुक्मरान दिल की तरह रंग कैसे बदलते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं बताता क्या हूँ? आप लोग सोचते रहिए, मैं आगे चलता हूँ। सदर अली वकार कहते हैं कि ये औरतें बहुत ज्यादा बातूनी होती है और इस पर हमारे मुआशरे की औरतें जिन अखलाक का मुजाहरा करती है वो सिर्फ शादीशुदा अपराध ही जाने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ औरत। लेकिन चलो आज मैं बता देता हूँ कैसा है भी आने। अली वकार, उर्दू जबान का एक कायदा है कि ख्वाब के बाद जब वाव आता है तो खामोश रहता है, जैसे ख्वाब ख्वाहिश वगैरह। लेकिन यही वाव जब खवातीन में आता है तो इतना शोर मचाता है जितना मुल्तान के अड्डे पर कंडक्टर हजरात का होता है। सदर अली वकार, हमारे मुआशरे में कई पार्टियां और जमातें होती है जिनमें से एक तबलीग हजरात का भी है, और ये वो वाहिद जमात है कि जिसे पुलिस वाले भी जानते हैं। तो आज मैं आपको एक जबरदस्त वाकया सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं कि हमारे मोहल्ले में एक तबलीग जमात आई हुई थी, तो इत्तेफाक हमारे एक मोहल्लेदार की भैंस मस्जिद में चली गई। जैसे वो चली गई तो वो अमीर साहब गुस्से से लाल पीले होने लगे थे, तो हमारे मोहल्लेदार जट से बोला, अच्छा ना क्या हुआ अगर आ गया, ये तो जानवर है, कभी आपने हमें मस्जिद में देखा है? सदर अली वकार, मैंने सुना है कि मोबाइल फोन की वजह से हमारी जिंदगी अजाब बन गई है, ये सच है? चले आज मैं ही बता देता हूँ कि ऐसा है भी हमें। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता करता अपने घर के बजाय हमसाये के घर में दाखिल हो गया और जाकर टीवी लाउंज में बैठ गया। उसकी बीवी किचन से मोबाइल इस्तेमाल करते करते आ गई और चाय का प्याला मेरे हाथ में थमा कर बोली, आज आप ऑफिस से जल्दी नहीं आए? अभी मैं कुछ जवाब देने वाला ही था कि उसका शौहर मोबाइल इस्तेमाल करता करता घर के अंदर दाखिल हो गया और मुझे वहां पे देखकर सॉरी बोलकर वहां से चला गया। इसके बाद अब मैं आपको क्या बताऊं? ये अभी तक उन मुख को ज्यादा सामने मुझे नींद में भी करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि तब्दीली आई है, पता नहीं कि आई है या नहीं, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि आई है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में तो नहीं आई है।
क्योंकि जो कौवा 1995 में प्यासा था वो आज भी प्यासा है। जो दिल वाले दुल्हनिया ले चुके हैं वो अभी तक वापस नहीं लाए। और तो और मर्द को तो 5 साल की उम्र में बच्चा, 15 साल की उम्र में लड़का, 25 साल की उम्र में नौजवान, 40 साल की उम्र में मर्द और 50 साल की उम्र में बूढ़ा कहते हैं। लेकिन औरत को 5 साल की उम्र में बच्ची, 15 साल की उम्र में बच्ची, 25 साल की उम्र में बच्ची, 40 साल की उम्र में बच्ची, 40 साल की उम्र में बच्ची और 50 साल की उम्र में भी बच्ची ही कहते हैं। और भी बहुत कुछ बताते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे मुकाबले के अगले मुकरिर का नाम शरीफुद्दीन, इनका ताल्लुक ढांचे कौनिक सवाल से है और इनका अनुमान है बता सबको होता है बताता कोई नहीं। तुम भी बेसहारा मैं भी बेसहारा, तुम भी बेसहारा मैं भी बेसहारा, फिटे हूँ तुम्हारा फिटे हूँ हमारा। सदैव ये होगा कि मैं आपको नहीं बता रहा बल्कि ये तो वो डायलॉग है जो मेरी गर्लफ्रेंड अक्सर मुझसे कहा करती है लेकिन क्या छोड़े जाओ मेरे हम उम्र हो लेकिन नहीं मुझसे 3-4 हजार साल छोटे उम्र के लोग हो क्योंकि ये तो मेरा दूसरा जन्म है। तो मेरे कम उम्र हो मेरे पाकिस्तानी ड्रामों के साथ साथ इंडियन फिल्में बड़े शौक से देखने वाले लोग हो, इसी तरह फजूल खर्ची में सबसे आगे अपने शौहरों की जीवें टटोलने वाली मोतबर शरीफ और मासूम चेहरों, आज मैं जिस मौजू पर सिर्फ लब नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ खुशाई करने जा रहा हूं वो है पता सबको होता है बताता कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अगर कोई बीमार है तो जिन्नाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से इतनी प्यारी प्यारी डॉक्टरनियां आई हुई है उनसे इलाज करवा लें। मेरे भाई और दोस्तों और इंसाफ की नहीं बल्कि किसी कंपनी की कुर्सी पर बैठने वाले जज हजरा एक छोटा सा मसला है। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मसला मुझे थोड़ी मसला तो इनको है। वो मसला क्या है पहले वो तो सुनो, इसका पता सबको होता है पर बताता कोई नहीं। मसला ये है कि उनको कोई मसला ही नहीं। खातिन हजरात बल्कि नहीं हजरात खातिन क्योंकि हमारी तादाद बहुत ज्यादा है, अगर जी कहते हैं कि पाकिस्तान में 50% से ज्यादा औरतें हैं लेकिन वो झूठ है क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और इसकी सजा भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा सख्त होती है। वो कैसे आप सब लोगों को पता है लेकिन कोई नहीं बताता। चले मैं बता देता हूँ। हुआ कुछ यूं कि जब मैंने कल यहाँ स्टेज पे आकर सब कुछ सच सच बता दिया तो इन जालिम मुंसिफीन साहिबान ने मुझे इसकी इतनी कड़ी सजा दी कि मैं कल रात बहुत देर तक हवा की सर्द लहरों में बेटा आज के लिए तकरीर ले रहा और मेरे सारे दोस्त मुझसे खाना खत्म करके सो गए और आज सुबह जब मैं उठा तो सबसे बड़ा वाला चूहा पहली पोजीशन और सबसे छोटा वाला चूहा दूसरी पोजीशन के साथ मेरे पेट में दौड़ते हुए कामयाब हो गए। आप लोगों को पता है कि मुझे कैसे मर्द पसंद है? मुझे ऐसे मर्द तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कि जिनके बाल अमर मकसूद की तरह सच से नहीं बल्कि गर्दन
ब्रेक साइकिल के पहिए की तरह जिससे 3 फुट आगे कूद और जिनके जिनके पांव पर बाटा सर्विस और भोजन का कोई भी जूता फिट नहीं आता हूं। बल्कि मुझे तो ऐसे मत पसंद है जो शादी से पहले बातें करें नॉन स्टॉप लेकिन शादी से शादी के बाद हो जाए फुल स्टॉप, क्योंकि इन बेचारे लड़कियों को भी औकात जगह की तरह अपना गुस्सा किसी पर निकालना तो होता है। सजियालियों का पाकिस्तानी बेरोजगार नौजवानों ने एक फार्मूला ही जान किया, इसका पता आप सबको है और आपको कोई बताएगा नहीं, चले मैं बता देता हूँ। वो फार्मूला ये है कि दौरान सफर जब किसी के मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसको बीच सड़क पर पेलोरा करवाने से इसका रास्ता सऊदी अरब के गली नंबर 99 में मौजूद पेट्रोल की टैंकी से हो जाता है। अगर ये बात सच है तो हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुखलिसाना नहीं बल्कि दोस्ताना मशवरा है कि आप यही तरीका अपना लें। अब यह मेरा एतराज करना हर किस मकसूद नहीं, क्योंकि मैं तो मुहिब वतन हूँ और वो भी इतना हट्टा कट्टा नहीं, वो भी इतना दुबला पतला मुहिब वतन, वो भी इतना दुबला पतला मुहिब वतन कि मैं जान की खातिर मुल्क को भी भेजने के लिए तैयार हूँ। आप लोग ज्यादा अवसर मत हो जाए, रियासत को इसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। सजाइयों का 80 और 9 89 80 और 9 89 मेज बजाने वाला मेरा सी हो चुका।